नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का टॉपर आरकेएस मैथ क्लासेस में स्वागत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर। नर्मदा एक्सप्रेस वे प्रस्तावित है, ए अनूपपुर से अलीराजपुर, बी अनूपपुर से झाबुआ, सी अनूपपुर से इंदौर, डी अनूपपुर से भोपाल। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है। करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? इसका करेक्ट आंसर होगा ए अनूपपुर से अलीराजपुर में नर्मदा एक्सप्रेस वे प्रस्तावित किया जा रहा है। ये कितने लाइन का होगा मेरे प्यारे साथियों? ये 6 लेन कितने में बना जाएगा, यानी ये 6 लेन में बनाया जाएगा नर्मदा एक्सप्रेस वे 6 लाइन। अभी तक 4 लेन में बनता था, लेकिन अब ये जो नया है नर्मदा एक्सप्रेस वे, ये 6 लाइन में बनाया जाएगा अनूपपुर से अलीराजपुर के बीच में। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री सड़क योजना कब शुरू की गई थी? ए 2010 से 11, बी 2011 से 12, सी 2012 से 13, डी 2013 से 14। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपको बताइए, आप बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों ए। कब मुख्यमंत्री सड़क योजना कब शुरू की गई थी? 2010 से 11 में मुख्यमंत्री सड़क योजना शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पर। अमृत योजना कब शुरू की गई थी? अमृत योजना कब शुरू की गई थी? ए 2015, बी 2016, सी 2017, डी 2018। इसका करेक्ट आंसर बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको, इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि अमृत योजना कब शुरू की गई थी। ए 2015, बी 2016, सी 2017, डी 2018। चार ऑप्शन दिए गए, इसमें से करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों अमृत योजना 2015 में शुरू की गई थी। कब की गई थी? 2015 में अमृत योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना कब शुरू की गई थी? मुख्यमंत्री में खेतों के लिए जो सड़क बनाई जाएगी वो कब शुरू की गई थी? ए 2010, बी 2011, सी 2012, डी 2014। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से करेक्ट आंसर बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आप बताइए आपकी तैयारी कितनी है, इसका अंदाजा लगाइए आप। इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों डी, कब 2014 में मुख्यमंत्री सड़क योजना शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका स्क्रीन पर। सर्वाधिक सड़क वाला जिला कौन सा है? ए छिंदवाड़ा, बी सीधी, सी इंदौर, डी भोपाल। चार ऑप्शन दिए गए, इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि सर्वाधिक सड़कें किस जिले में हैं। आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, प्लीज़ शेयर करें, इससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए मेरे प्यारे साथियों? इसका करेक्ट आंसर होगा बी। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? बी। इसका करेक्ट आंसर क्या है? सीनी। सीनी जिले में सबसे अधिक सड़कें हैं मेरे प्यारे साथियों, सीनी जिले में सबसे अधिक सड़कें हैं। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला जिला कौन सा? पहले था सर्वाधिक सड़कें, लेकिन अब ये कौन सा सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला जिला कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर ए सतना। सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला जिला कौन सा है? ए सतना। सतना में सबसे अधिक सड़क घनत्व वाला जिला है। अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? ए तवा पुल, बी चंबल पुल, सी नर्मदा पुल, डी ताप्ती पुल। चार ऑप्शन दिए गए, इसमें से करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? मध्य प्रदेश का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? तो मेरे फ्रेंड्स, इसमें ए करेक्ट आंसर है, तवा पुल सबसे लंबा है। जो मध्य प्रदेश में सबसे लंबा सड़कों का पुल है, सबसे लंबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पर। न्यूनतम सड़क वाला जिला कौन सा है? ए अलीराजपुर, बी झाबुआ, सी अनूपपुर, डी भोपाल। चार ऑप्शन फिर से दिए गए, इन चार ऑप्शन में से आपको करेक्ट आंसर देना है। इसमें करेक्ट आंसर क्या है बताइए जल्दी से मेरे फ्रेंड्स, आप बताइए इसमें करेक्ट आंसर क्या है? न्यूनतम सड़क वाला जिला कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर होगा बी। बी करेक्ट आंसर है, झाबुआ में सबसे कम सड़कें हैं। न्यूनतम सड़क कहाँ पर है? झाबुआ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पर। न्यूनतम सड़क घनत्व वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम सड़क घनत्व वाला जिला कौन सा है? ए श्योपुर, बी झाबुआ, सी अलीराजपुर, डी मुरैना। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से चार ऑप्शन में से आपको करेक्ट आंसर देना है। करेक्ट आंसर क्या होगा?
जल्दी से बताइए मेरे प्यारे साथियों, करेक्ट आंसर क्या होगा। न्यूनतम सड़क घनत्व वाला जिला कौन सा है? ए श्योपुर, बी झाबुआ, सी अलीराजपुर, डी मुरैना। इसमें करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों ए, श्योपुर में सबसे न्यूनतम घनत्व वाला जिला है जो सड़कों के मामले में है। अगला क्वेश्चन ये रहा, नेशनल हाईवे 46 किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर निकलता है? ए माधव राष्ट्रीय उद्यान, बी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, सी कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, डी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ये चार राष्ट्रीय उद्यानों के नाम दिए गए हैं, इसमें से आपको देना है कौन सा करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों। इसका करेक्ट आंसर होगा ए, कौन सा होगा? ए माधव राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ से नेशनल हाईवे 46 निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कितने किलोमीटर का है? ए 9 किलोमीटर, बी 10 किलोमीटर, सी 11 किलोमीटर, डी 12 किलोमीटर। चार ऑप्शन दिए गए, इसमें से करेक्ट आंसर बताइए। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कितने किलोमीटर का है? इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों ए 9 किलोमीटर का है। कितने किलोमीटर का है? 9 किलोमीटर का है। कौन सा है? 349, बी नेशनल हाईवे कौन सा? 349 बी, जो 9 किलोमीटर का है। आप सभी को धन्यवाद, आप हमारी वीडियो को पूरा देखें।